नमस्कार देवी और सज्जनों, हेलो फ्रेंड्स। वास्तु अजीत चैनल पे मैं अजीत जाधव सिविल इंजीनियर आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको भूखंड पर पूरब का रास्ता और मध्य पूर्व दिशा ईशान्य द्वार का मुख्य शयन कक्ष के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदार और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको मध्य पूर्व के पालक देवता इंद्रदेव का संस्कृत आवाहन मंत्र बताऊंगा। चलो प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। पूरब का रास्ता और मध्य पूर्व दिशा ईशान्य द्वार का मुख्य शयन कक्ष। ड्राइंग नंबर एक में दिखने वाला आपका भूखंड यानी प्लॉट आयताकार है। भूखंड को पूरब की ओर एक ही 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। दक्षिण की तरफ जाने वाली गाड़ी पक्का डामरी रास्ता दर्शाती है। प्लॉट की लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। भूखंड पर मध्य पूर्व, मध्य पश्चिम, मध्य उत्तर और मध्य दक्षिण, ये चार मुख्य दिशाएं लिखी गई है। भूखंड पर ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ये चार मुख्य उपदिशाएं लिखी गई है। उपदिशा हमेशा तिरछी ही लिखनी चाहिए, क्योंकि वो 45 अंश में होती है। एक डिग्री के भी फर्क से उनका मूल स्थान बदलता है। जैसे कि 44 अंश पे उत्तर ईशान्य उपदिशा होती है, 45 डिग्री पे सिर्फ ईशान्य होती है और 46 डिग्री पे पूर्व ईशान्य उपदिशा बन जाती है। इसलिए डिग्री यानी अंश को समझना बहुत जरूरी है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों का वास्तु में सही स्थान मकान मालिक को समृद्धि और खुशी प्रदान करता है। इसलिए आर्किटेक्चरल के, वास्तुकला के विज्ञान में दिशाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्लॉट को ईट और आरसीसी का कंपाउंड बना के बंदिस्त किया गया है। बंदिस्त प्लॉट में ही वास्तु पुरुष का निवास होता है। भूखंड की चारों दिशा में काले रंग का परमानेंट कंपाउंड दिखाया गया है। उसे सिर्फ पूर्व ईशान्य दिशा में एक गेट रखा गया है, जो 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। हम शासन नियम अनुसार चारों दिशाओं को खुली जगह छोड़ने वाले हैं। मुख्य रास्ते की तरफ यानी पूरब की दिशा में आपको 4.5 मीटर खुली जगह छोड़नी चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर 3 मीटर खुली जगह छोड़नी चाहिए। उत्तर दिशा की ओर 3 मीटर खुली जगह छोड़नी चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर 2 मीटर खुली जगह काफी है। शासन के प्रशासन के नियम नगरपालिका, महानगरपालिका के अनुसार बदलते रहते हैं। सिविल इंजीनियर की भाषा में उसे सेटबैक डायमेंशंस कहते हैं। इन सभी नियमों का पालन करने पर ही मकान के नक्शे को मंजूरी मिलती है। इफ सेटबैक डायमेंशंस आर करेक्ट, देन द बिल्डिंग प्लान सैंक्शन बाय टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे देश में कार की लंबाई 4 मीटर तक होती है, इसलिए रास्ते की ओर कम से कम 4.5 मीटर जगह छोड़नी चाहिए, ताकि हमारा वाहन या कार कंपाउंड में मकान के सामने आराम से पार्क हो सके। अगर मकान में आग लग गई तो फायर फाइटिंग के लोग आकर आग को बुझाते हैं। उनका अग्नि प्रतिबंधित पानी से भरा हुआ टैंकर अंदर आता है और मकान में रहने वाले लोगों की जान माल की रक्षा करता है। इसलिए मकान या बंगलों की चारों दिशाओं को खुली जगह छोड़ना अनिवार्य माना जाता है। पीले कलर में दिखाई देने वाला आपका मकान, बंगला 14.5 मीटर लंबा और चौड़ा बनेगा। इसे प्रपोज्ड बंगलो के नाम से दर्शाया गया है। बंगले के मध्य पूर्व दिशा में 5.5 मीटर लंबा और 4.60 मीटर चौड़ा मुख्य शयन कक्ष
दिखाई देता है। कामगारों की बिल्डिंग लेबर की भाषा में इस मास्टर बेडरूम की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 15 फीट है। इस मास्टर बेडरूम का आय गणित बेडरूम की लंबाई गुणा चौड़ाई विभाजन या बटा अष्ट दिशा, इसकी जो शेष बाकी आती है उसे 9 ग्रह से गुणना पड़ता है। जो भी शेष आता है उसे अष्ट दिशा से गुणने के बाद जो संख्या या नंबर आता है उसे कक्ष का आय कहा जाता है। 5.50 मीटर गुणा 4.60 मीटर बटा 8, इससे जो शेष बाकी आती है उसे 9 ग्रहों से गुणने के बाद इसका आय 3 आता है। 3 अंक यानी सिंहाय। मध्य पूर्व दिशा में स्थित मुख्य शयन कक्ष में पूर्व ईशान्य और पूर्व आग्नेय दिशा में 6 फीट चौड़ी और 4 फीट ऊंची 2 खिड़कियां लगानी चाहिए। वायु विजन यानी वेंटिलेशन के लिए इस बेडरूम को सिर्फ पूरब की दिशा उपलब्ध है। सुबह की रोशनी और सेहतमंद धूप, भरपूर ताजी हवा, फ्रेश एयर इन खिड़कियों से भवन में प्रवेश करनी चाहिए। इससे मन प्रसन्न होके बुद्धि का विकास होगा। सही जगह, सही वक्त, सही तरीके से विवेक बुद्धि का प्रयोग करने से यश, कीर्ति और गौरव प्राप्त होता है। शासन नियम अनुसार कक्ष के क्षेत्रफल का 1/6 ऊर्ध्वधर क्षेत्रफल वायु विजन के लिए होना चाहिए। शयन कक्ष का क्षेत्रफल 25.3 चौरस मीटर है। खिड़की का क्षेत्रफल 4.5 स्क्वायर मीटर है। मास्टर बेडरूम में उत्तर ईशान्य के शुभ और उच्च स्थान पर एक ही मुख्य द्वार होना चाहिए। इस सागवान लकड़ी से बने टिकवुड डोर को 2 मीटर ऊंचाई पर 1 मीटर चौड़ा वेंटिलेटर जरूर रखना चाहिए ताकि शयन कक्ष की गर्म हवा नेचुरली उत्तर दिशा से बाहर जाए। इससे एसी फैन में होने वाली बिजली की खपत कम होगी, पर्यावरण की रक्षा होगी। शयन कक्ष का अंदर खुलने वाला दरवाजा 1 मीटर चौड़ा और 2.25 मीटर ऊंचा होना चाहिए। ड्राइंग नंबर 2 में हम शिक्षादि देवताओं का संरक्षण और अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने वाले हैं। वास्तु पुरुष की इस औंधी लेटी हुई अवस्था में भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को 9/9 भागों में बांटा जाता है, तो इस भूखंड के 81 भाग बनते हैं। वास्तु पुरुष की कल्पना भूखंड में एक ऐसे ओछे मुंह पड़े पुरुष के रूप में की जाती है जिसमें उसका मुंह ईशान कोण में और पैर नैऋत्य की कोण की ओर होते हैं। उनकी भुजाएं और कंधे वायव्य कोण और आग्नेय कोण की ओर मुड़ी हुई रहती है। वास्तुशास्त्र में इसे ही 81 पद वाला वास्तु पुरुष मंडल कहा जाता है। ड्राइंग नंबर 3 में मध्य पूर्व दिशा में मुख्य शयन कक्ष दिखाई देता है। उस शयन कक्ष में वास्तु पुरुष का बाया कान और बाया कंधा व्याप्त है, यानी हम मास्टर बेडरूम में शिक्षादि देवताओं का संरक्षण और अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने वाले हैं। मध्य पूर्व दिशा के 3rd पद में ओम जयंताय नमः, 4th पद में कुलिशा युधाय नमः, 5th पद में सूर्याय नमः, 6th पद में सत्याय नमः, 7th पद में भृशाय नमः देवता विराजमान हैं, 44th पद में आपवत्साय नमः, 37th पद में अर्यमने नमः, 48th पद में सविते नमः देवता का निवास है, 43 पद में पृथ्वी धराय नमः, 45 पद में ओम ब्रह्मणे नमः, 39 पद में विवस्वते नमः देवता अधिष्ठित है। ड्राइंग नंबर 4 में मुख्य शयन कक्ष में बेड और बिस्तर मध्य दक्षिण यानी मिडिल साउथ डायरेक्शन में रखना चाहिए। पंचतारांकित होटल के कमरे में इस्तेमाल होने वाला महाराजा बेड 1 मीटर 90 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 मीटर लंबा होता है।
बेड के नीचे के ड्रॉअर में बेडशीट, रजाई, तकिया ऐसा सोते वक्त इस्तेमाल होने वाले ही कपड़े रखें। संतुष्ट, स्वस्थ और निरामय कामजीवन गृहस्थाश्रम का आधार है। धर्मशास्त्र के अनुसार पति पत्नी दो जिस एक जान होते हैं। पत्नी को अर्धांगी कहा जाता है, इसलिए बेड पर एक ही अखंड गद्दा यानी वन पीस मैट्रेस होना चाहिए। स्वस्थ निरोगी काम जीवन के कारण सांसारिक जीवन सुखी होता है। दक्षिण दिशा मृत्युदेव यमराज की दिशा है। ये सभी जानते हैं कि मृत व्यक्ति को दक्षिण की दिशा की ओर पैर करके सुलाया जाता है। दक्षिण दिशा में दिया जलाकर मृतकों को मुक्ति का मार्ग दर्शाया जाता है। ये रहा धार्मिक कारण। चुंबकीय आकर्षण के कारण हृदयाभिसरण की क्रिया यानी हार्ट फंक्शनिंग ठीक से काम नहीं करती, इसलिए शांत और पूर्ण निद्रा नहीं मिलती। आयुर्वेद कहता है कि शांत नींद स्वस्थ जीवन का मूल आधार है। शरीर शास्त्र यानी ह्यूमन एनाटॉमी के अनुसार नींद की कमी के कारण शरीर विभिन्न रोगों का भंडार बन जाता है। इस धार्मिक और वैज्ञानिक कारण का सम्मान रखते हुए अपने सिर को दक्षिण और पैर को उत्तर दिशा की ओर करके सोना चाहिए। ड्राइंग में हमने बेड लाल रंग में दर्शाया है। फोटो में हमने फेंट ब्लू कलर का बेड विथ साइड टेबल रेस्टेड लैंप दिखाया है। ड्राइंग नंबर 5 में मुख्य शयन कक्ष में बैठक व्यवस्था वायव्य कोण में यानी बेडरूम के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में होनी चाहिए। सोफा सेट 2.25 मीटर लंबा और चौड़ा एरिया व्याप्त यानी ऑक्यूपाई करता है। बैठक व्यवस्था पूर्वाभिमुख और दक्षिणाभिमुख होनी चाहिए। वायव्य कोण में एक कॉर्नर टेबल रखना चाहिए। दोनों सोफे के सामने एक टिपॉय जरूर रखना चाहिए। बैठक व्यवस्था में मनोरंजन या पसंदीदा सुख दुख का या महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वो परिवार का हो या व्यवसाय का, सभी प्रकार की घटनाओं को दर्ज किया जाता है। इस उच्च स्थान पर लिए गए निर्णय परिवार के मुखिया या मुखिया पत्नी के पक्ष में होते हैं। यदि आप बातचीत को अपने मन के मुताबिक सहज करना चाहते हो तो बेडरूम का सोफा सेट पोजीशन ड्राइंग में यानी मानचित्र में दर्शाए गए उच्च स्थान पर करना चाहिए। बैठक व्यवस्था यानी सोफा सेट, कॉर्नर टेबल, टीपॉय हमने लाल रंग में दर्शाया है। फोटो में हमने ग्रे चॉकलेट कलर का मल्टी यूजेबल कॉर्नर सोफा सेट विथ कॉर्नर टेबल दिखाया है। ड्राइंग नंबर 6 में मुख्य शयन कक्ष में अध्ययन तालिका व्यवस्था यानी स्टडी टेबल मध्य पश्चिम दिशा यानी बेडरूम के मिडल वेस्ट डायरेक्शन में रखनी चाहिए। कंप्यूटर डेस्क 1.5 मीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 80 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। टेबल के सामने लकड़ी की कुर्सी पर बैठने से पीठ और मेरुदंड ऊर्ध्वाधर यानी नैसर्गिक अवस्था में रहते हैं। पीठ को आराम मिलने से मुखिया या मुखिया पत्नी ज्यादा वक्त काम कर सकते हैं। घर बैठकर ऑफिस काम करने वाले, वर्क फ्रॉम होम करने वाले, किताब लिखने वालों को इससे फायदा मिलता है। कंप्यूटर डेस्क ड्राइंग में दिखाए गए उच्च स्थान पर रखने से काम बढ़िया और जल्दी पूरा होता है, यानी एक्सेलेंट वर्क विद इन टाइम। नए और इनोवेटिव आइडियाज के प्रयोग करने से बिजनेस बढ़ता है। अध्ययन तालिका व्यवस्था पश्चिमाभिमुख होनी चाहिए। अध्ययन तालिका यानी कंप्यूटर स्टडी टेबल हमने लाल रंग में दर्शाया है। पहले फोटो में हमने लकड़ी की पारंपरिक अध्ययन तालिका दराज यानी ड्रॉवर के साथ दिखाई है। दूसरे फोटो में हाईटेक मल्टी कंप्यूटर डेस्क स्टडी टेबल दिखाया है। ड्राइंग नंबर 7 में मुख्य शयन कक्ष में अलमारी व्यवस्था नैऋत्य दिशा यानी बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखनी चाहिए। जल प्रतिबंधक प्लाईवुड की अलमारी 2 मीटर लंबी,
60 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊंची होनी चाहिए। बेडरूम के अलमारी वाले स्थान में इससे जड़त्व यानी हेवीनेस प्राप्त होता है। इस स्थान पर अलमारी में पैसा धन रखने से संपत्ति में वृद्धि होती है। पैसा सही जगह खर्च होता है, फिजूल खर्चे पर नियंत्रण रहता है। अलमारी का ऊपर वाला कपाट यानी दराज छत यानी स्लैब को टच होना चाहिए। दीमक प्रतिबंधक अलमारी यानी जेंट्स एंड लेडीज कंबाइंड क्लॉथ वार्डरोब पूर्व दिशा की ओर खुलने वाली होनी चाहिए। हार्मफुल क्लॉथ मोथ कपड़ कीड़ा जैसे कई प्रजाति के कीड़े जो कपड़े के धागों को खा जाते हैं, उनसे कपड़े सुरक्षित रहते हैं। कपड़ों का कलर न उतरने से, धागे अखंड रहने से वो ज्यादा वक्त चलते हैं। अलमारी यानी क्लॉथ वार्डरोब हमने लाल रंग में दर्शाया है। फोटो में ग्रे कलर का क्लॉथ वार्डरोब दिखाया है। 7 फीट अलमारी के ऊपर के हिस्से में हमने ज्यादा सामान रखने की भी व्यवस्था करने वाले छोटे खाने यानी स्मॉल कबर्ड रखे हैं। ड्राइंग नंबर 8 में मुख्य शयन कक्ष में टीवी शोकेस मध्य पूर्व दिशा यानी बेडरूम के सामने मिडल ईस्ट डायरेक्शन में रखनी चाहिए। शोकेस 2 मीटर लंबी, 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊंची होनी चाहिए। टीवी के ऊपर डाला हुआ पर्दा सिर्फ टीवी देखते समय ही उठाना चाहिए। टीवी पर पर्दा इस प्रकार रखे कि उसमें बेड की छवि दिखाई ना दे। इस स्थान पर टीवी शोकेस रखने से उसका उपयोग क्रिएटिव प्रोग्राम डिस्कवरी एंड नॉलेज इम्प्रूव्ड चैनल देखने के लिए होता है। मनोरंजनात्मक धारावाहिक सीरियल्स की आदत हैबिट नहीं लगती। टीवी शोकेस व्यवस्था हमने लाल रंग में दर्शाई है। फोटो में फ्लैट स्क्रीन टीवी और बाजू में किताबें रखने की अलमारी शोपीस कबर्ड दिखाई देता है। किताबें पढ़ने वाला प्रतिकूल परिस्थिति में संवेदनशील एम्पथेटिक बन जाता है। पढ़ने से दिमाग के सोचने की ताकत बढ़ती है और मन का तनाव कम होता है। हेल्दी ब्रेन रिड्यूसेस मेंटल स्ट्रेस। ड्राइंग नंबर 9 में मुख्य शयन कक्ष में छोटी अलमारी मध्य उत्तर दिशा में यानी मिडल नॉर्थ डायरेक्शन में रखनी चाहिए। छोटी अलमारी 1 मीटर लंबी, 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊंची होनी चाहिए। घर की अलमारी का रख रखाव भी घर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। घर में नगद पैसा और गहने उत्तर दिशा में यानी कुबेर की दिशा में रखने चाहिए। स्मॉल वार्डरोब हमने लाल रंग में दर्शाया है। पहले फोटो में हमने लकड़ी की पारंपरिक नीचे स्मॉल ड्रॉवर और ऊपर छोटे कप्पे वाली अलमारी दिखाई है। दूसरे फोटो में हमने लकड़ी से बनी और दीवार पर टंगी मल्टीपर्पज अलमारी दिखाई है, जिसके नीचे आप कोई भी शोपीस फ्लावर पॉट रख सकते हो। ड्राइंग नंबर 10 में मुख्य शयन कक्ष में श्रृंगार मेज यानी ड्रेसिंग टेबल ईशान्य दरवाजे के सामने रखना चाहिए। ड्रेसिंग टेबल में पति पत्नी अपना मेकअप सामान रखते हैं। पूर्व दिशा में बैठकर पत्नी श्रृंगार करती है, तब वो खूबसूरत दिखकर अपने सौभाग्य को आकर्षित करती है। पति वेल ड्रेसअप करके कॉन्फिडेंटली जब बेडरूम से निकलता है तो काम में सफलता मिलती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर सुंदर महसूस करते हैं। इससे पति पत्नी का रिलेशन दृढ़ मजबूत होता है। ड्रेसिंग टेबल आईना यानी मेकअप मिरर का पर्दा सिर्फ उपयोग के समय ही उठाना चाहिए। शीशे पर पर्दा इस प्रकार रखे कि उसमें बेड, दरवाजा, टॉयलेट इनकी छवि दिखाई न दे। ड्रेसिंग टेबल हमने लाल रंग में दर्शाया है। ड्राइंग नंबर 11 में मुख्य शयन कक्ष में छोटा पानी का फव्वारा उत्तर ईशान्य दिशा में यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। ईशान्य दिशा में पंच महाभूतों में से एक जल तत्व का वास है। बेडरूम का ईशान कोण पूजनीय दिशा है।
यहाँ परब्रह्म यानी परमेश्वर का स्थान है, इसलिए इस दिशा में पूजा के बजाय प्रवेश और जल को प्राथमिकता यानी फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए। बेडरूम में इंडोर पानी का फव्वारा आपकी सजावट में एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है। विशेषज्ञों के अनुसार सौभाग्य को बढ़ावा देता है। ऊर्ध्व दिशा से अधर दिशा में बहता हुआ पानी समृद्धि और धन का प्रतीक है। स्मॉल फाउंटेन 45 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा होना चाहिए। स्मॉल फाउंटेन अरेंजमेंट हमने नीले रंग में दर्शाया है। फोटो में हमने ब्राउन कलर का मल्टी लेयर वाटर फाउंटेन दिखाया है। मध्य पूर्व दिशा के आग्नेय कोण में हमें अग्नि बर्तन यानी फायर शोपीस रखना चाहिए। प्रागैतिहासिक काल में यानी प्री हिस्टोरिक टाइम में इसका प्रयोग आग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए धार्मिक समारोह में और युद्ध में हथियारों के रूप में भी किया जाता था। आग्नेय दिशा में पंच महाभूतों में से एक अग्नि तत्व का वास है। यहाँ ऐश्वर्य और धान्य लक्ष्मी का स्थान है। अग्नि यानी ऊर्जा और उत्पत्ति। अग्नि से जीवन तेजोमय बनता है। रति कामदेव श्रृंगार अग्नि का प्रतीक है। इससे वैवाहिक जीवन आनंदमय बनता है, संतान सुख मिलता है। फायर शोपीस अरेंजमेंट हमने लाल रंग में दर्शाया है। फोटो में हमने फायर शोपीस दिखाया है। पिंडी ते ब्रह्मांडी अर्थात मानव शरीर ह्यूमन बॉडी ब्रह्मांड की सबसे छोटी प्रतिकृति है। जो हमारे पास है वह संसार में यूनिवर्स में हर जगह है। इसका ध्यान रख के जल तत्व और अग्नि तत्व मध्य पूर्व शयन कक्ष में बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। ड्राइंग नंबर 12 में मुख्य शयन कक्ष की पूर्ण फर्नीचर व्यवस्था क्लोजअप करके दिखाई है। बेड हरे रंग में दर्शाया है, कारपेट काले रंग में दिखाया है, कॉर्नर सोफा सेट विथ टीपॉय लाल रंग में दिखाया है, कंप्यूटर स्टडी टेबल नीले रंग में दर्शाया है, लेडी जेंट्स अपार्ट क्लॉथ वार्ड्रोब हमने सियान रंग में दर्शाया है, मल्टीपर्पज स्मॉल कबर्ड हमने सियान रंग में दर्शाया है, टीवी शोकेस हमने मचेंटा कलर में दर्शाया है, ड्रेसिंग टेबल हमने काले रंग में दिखाया है, मल्टी लेयर वाटर फाउंटेन हमने नीले रंग में दर्शाया है, फायर शोपीस हमने लाल रंग में दिखाया है। ड्राइंग नंबर 13 में पूर्व रास्ता मध्य पूर्व दिशा ईशान्य द्वार मुख्य शयन कक्ष की पूर्ण फर्नीचर व्यवस्था पूर्ण भूखंड सहित दिखाई है। मुख्य शयन कक्ष की फर्नीचर व्यवस्था सहित क्षेत्रफल शिक्षादि देवताओं के अंदर आता है। वहां उनका कार्य क्षेत्र अधिकार क्षेत्र है। शिक्षादि चरक्यादि दशदिक्पाल ब्रह्मसूत्र और सोमसूत्र देवता अपने अधिकार क्षेत्र में शक्तिशाली बलशाली होते हैं। इसलिए भारतीय वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर बंगला ऐसा बनाओ कि मुख्य शयन कक्ष को वास्तु और भवन के बीच उसका सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, उन्हें उनका निर्धारित क्षेत्रफल एरिया मिले, सभी फर्नीचर वस्तु सामान अपने साइज शेप और वेट में निर्धारित स्थान पर हो। यहाँ नाम यानी मेजरमेंट का बहुत ही बड़ा महत्व है। अब सुनिए मध्य पूर्व दिशा के पालक देवता इंद्रदेव का संस्कृत आवाहन मंत्र। ओम इंद्रम सुरपति श्रेष्ठम वज्रहस्तम महाबलम आवाहये यज्ञ सिद्ध्यै शत यज्ञाधिपम प्रभु। इस विषय के टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चंस या क्यूरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए प्रभु की कृपा से खुश रहिए, सिद्धि समृद्धि और सफलता पाइए।